माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतादिद मंसूबों पर काम कर रही है। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल हरिपुर में इस प्रोग्राम के मुनासिबत से मुनाकिदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तफ़सील नवीद अज़हर से। इस वक्त दुनिया को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है, माहौलियाती आलूदगी और इसकी वजह से रूनमा होने वाली मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मसले का बरवक्त अदराक करते हुए आने वाली नस्लों को माहौलियाती आलूदगी के असरात से महफूज रखने के लिए 10 अरब दरख्त लगाने का प्रोग्राम शुरू किया। आलमी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुदरती माहौल की बहाली के लिए शुरू करदा 10 बिलियन ट्री मंसूबे को बेहद सराहा जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को इस साल आलमी योम माहौलियात की मेजबानी के लिए चुना गया है। इस साल के आलमी योम माहौलियात का मौजू भी कुदरती माहौल की बहाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जिला हरिपुर में 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की मुनासबत से मुनक्कद तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा हरिपुर के दौरान पौधा भी लगाएंगे। मुआवने खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलक अमीन असलम वज़ीर आज़म को 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की कामयाबियों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मौके पर कौम सद्दा के माहौलियाती प्रोग्राम की रिपोर्ट की रूनमाई भी करेंगे। वो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब से भी खिताब करेंगे और इस प्रोग्राम के हवाले से कामयाबियों को उजागर करेंगे। नौजवान और तलबा अपने हिस्से का पौधा लगाकर सरसब्ज़ पाकिस्तान के ख्वाब को अमली ताबीद दे सकते हैं। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मखनियाल, हरिपुर।